अर्चन दो बार करा दी, वहां करा दिया। हम सिर्फ ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, आप भाई साहब मेरे को लगता है आपका मन नहीं है यहाँ बैठने का, कोई दिक्कत आपके साथ जरूर है। कोई नहीं, मेरे को 35 साल हो गए बच्चे पढ़ाते हुए। नहीं, थोड़ा सा तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं यार, आप ही नहीं ध्यान दोगे तो किस लिए रिहर्सल है। आज मैं ये 10-15 मिनट जो फोकस करेंगे वो चीजें होंगी जो परेशानियां आपको होती है। कई चीजें तो कई बार हम कर चुके, रिपीट कर चुके, आप ही कहोगे बार बार वही बोलते जा रहे, क्या फायदा, ये तो मैं वहां सुन चुका हूँ। अब हम जो बिल्कुल बहुत जरूरी जरूरी चीजें हैं, एक तो सबसे जरूरी चीज इसके अंदर ये है कि आपकी इलेक्शन ड्यूटी 25 तारीख की नहीं 24 तारीख से शुरू है। 24 को आप आओगे, सामान लेके जाओगे, उस सामान के अंदर आपको क्या देखना है ताकि आप बूथ पे जाके परेशान ना हो। पहले जो तरीका होता था सामान देने का, सामान दे दिया, आपसे कहते अपनी मशीन की तसल्ली कर लो, चला के देख लो, कोई कमी पेशी है तो हम ठीक कर देंगे। अब ये ट्रेंड इस इलेक्शन से बदल गया। इलेक्शन कमीशन के पास जो रिपोर्ट गई वो ये आई कि भाई ये बार बार वहाँ चला के देखते हैं, उनके अंदर परेशानियाँ आती हैं मशीनों के अंदर। अब जो आप लेके जाओगे मशीन, उसके अंदर मोटे तौर पे आपको 24 तारीख को क्या काम करना है वो एक दो लाइन में आपको बता दें। मशीनें आपने कनेक्ट करके नहीं देखी, बहुत बार क्लियर कर दिया, और फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि मशीनें आप जो है कनेक्ट करके नहीं, जो जो आपको देखना है उनमें कि उस पर्टिकुलर बूथ की मशीन है या नहीं, नंबर एक। सीरियल नंबर मैच करा लेना, नंबर दो। ठीक, उसके बाद आपने सिर्फ इनकी कंडीशंस देखनी है। अलग अलग यूनिट को बेशक चेक करके देख, दो चीजें तो इनमें आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, वो है बी, इसमें वो गलती है ये बड़े वाला, इसका सीरियल नंबर और वो मैच कर लिया। सिर्फ विजिबल आपने क्या देखना है, एक बार ढक्कन खोल के कि जितने बटन हैं आपके वो सारे खुले हुए हैं कि नहीं, एक तो ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि प्रॉपर अलाइनमेंट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट का नाम दो बटनों के बीच में आ रहा है। चांसेस 99% ओके मिलेगी, बहुत ध्यान से ये तैयार की है, दो बार वेरीफाई भी कर ली है, पर 1% आपकी तसल्ली के लिए ये है कि आप देखना चाहे उसमें एक ही मिनट लगेगा। बोला सिर्फ दो चीज, बटन खुले हुए हों, जितनी कैंडिडेट हैं, अलाइनमेंट प्रॉपर हो। एक नंबर किस मशीन का खुला मिलेगा, जो ऊपर थंबनेल है कौन बताएगा, एक नंबर किस में मिलेगा और दो नंबर किस में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। दो नंबर को जिसमें 11 बटन खुले मिलेंगे उसमें होगा, एक नंबर किसमें मिलेगा जिसमें 16 होगा, बिल्कुल ठीक। दूसरी मशीन है वीवीपैट, ये थोड़ी डेडिकेट मशीन है, इसके साथ छेड़खानी करने का मतलब ये है कि बूथ पे जब आप काम करने की कोशिश करोगे ये नहीं, क्या ध्यान देना है, मशीन को सीधा रखना है, आप लेके जाओ बस के अंदर भी उसको ऐसे टिल्ट मत करना। इसमें प्रिंटर है, उस पे कागज का रोल लगा हुआ है, ठीक। पीछे जो नोब होती है उसके दो मोड है, कौन बताएगा मेरे को फटाफट, ये तो नाम है, डायरेक्शन है, नाम ट्रांसपोर्टेशन एंड वर्किंग, ट्रांसपोर्ट और उनकी वर्किंग। जब आप लेके जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट मोड में होनी चाहिए, मतलब सॉरी ऐसे होगी, ऐसे लेके जानी है, और ये ऐसे कब तक रहेगा स्विच मोब पोल तक इसको घुमा के नहीं देखना।
कैसे घूमेगा, ये पहली बार आप इनको बटन को कब छेड़ोगे, मोड फुल कराओगे तब, उससे पहले इनकी टेस्टिंग बिल्कुल झूठ के भी ना करें, क्योंकि आपने इसको देखा और इसको ऐसे ही लेके चले गए तो फिर कोई फायदा नहीं, मशीन खराब हो। मशीन का नंबर बी यू और सी यू की आप चेकिंग कर सकते हैं, वो आपको भी बताएंगे कैसे कर सकते हैं। वीवी पैक को यहाँ पर आप ऑन करके नहीं देखेंगे। ये तीनों मशीनों का हो गया, अब क्या चीजें चेक करनी है, इस मशीन को आप बाहर निकाल सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। मेन ये कंट्रोल, नाम ही इसका कंट्रोल यूनिट है, ये सबको कंट्रोल करती है। ये आपने चेक कर ली, इसका मतलब सब कुछ चेक कर लिया आपने। इसके अंदर क्या है आपका, ये पीछे का बटन खुलेगा, ये दो चीजें हैं, एक सॉकेट है एक बटन, ये पावर स्विच है जिससे ये मशीन ऑन होती है। ये फोन करके आप देख सकते हो, जिस दिन मेटीरियल हो गया अभी मैं करके आपको ये फोन ऑन होके लगे बिजी आ रहे, ये स्कैन करेगा। इसमें आपने सिर्फ तीन चीजें देख ली है, क्या क्या देखना है आपने, ये आप ये इस तरीके से कर रहे हैं, ये स्कैन कर रहा है इसको मशीन को, सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, डेट और टाइम ये चेक कर ले, प्रॉपर होना चाहिए, 10 मिनट का फर्क है, कोई फर्क नहीं, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, डेट वही होनी चाहिए। आगे क्या है, ये सीरियल नंबर, ये का ये दोनों टैली कर लेगा, ये 101% सही मिलेगा। कैंडिडेट कितने आएंगे यहाँ पे, 27। बैटरी का स्टेटस हाई आएगा आपके केस में, अगर वो लो आए तो आप इन्फॉर्म करेंगे बैटरी, उसी टाइम हम चेंज करके आपको विद इन 5 मिनट्स देंगे और उसके बाद खत्म। ये डिस्कवर वाला जब कनेक्शन नहीं किया तो आगे का काम करेगा नहीं, स्विच ऑफ जरूर करना, क्योंकि अब तो बैटरी हाई दिखा रही है, पूरा दिन रखोगे 24 तारीख का, मोड फुल कराओगे, रिलैक्शन कराओगे, तो गलती से भी इसको ऑन कंडीशन में नहीं ले जाना, ऑन किया है तो ऑफ करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक, ये तीन चीज चेक करके इसको बॉक्स में डाल के और उसके बाद जो फीडबैक मिलेगा, इस बार बड़ा शानदार फीडबैक मिलेगा, पहले तो पट्टे मिलते थे वो उठाने के, इस बार देखो कितना स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, उसको बढ़िया करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इस इलेक्शन में। जो फोन्स का अभी सर ने बताया होगा या बताने वाले होंगे, बुकलेट की फोन में आ गया सर, बता दिया बहुत काफ़ी अच्छा। तो जितना वो मदद कर रहे हैं उतना कोशिश हमें भी उसको करने की करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ, ये तो काम खत्म हो गया आपका, वहाँ पे दूध पे ले गया एक मिनट वो मैं सार बता दूँ अभी आपको, एक सेकेंड लगेगा सर, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। ये ले जाके अपने बूथ पे एक साइड जाने का ट्रांसपोर्ट का जो तरीका है, आपको बूथ नंबर पता लग जाएगा, गवर्नमेंट के व्हीकल में जाना, ये नहीं कि अपनी कार में रख लो इनको बस पीछे, बकायदा पूरी की पूरी टीम बस के अंदर, बस नंबर बता देंगे, उसके अंदर ट्रैवल करना है, पर्सनल व्हीकल में किसी को ट्रैवल नहीं करना, कभी सोचो मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ और इनको बैठ जाऊँ और मान लो उनपे फिर पार्टी नंबर भी इतनी आई या नहीं आई, वो गलती कभी नहीं करना। बैठो बूथ पे जाओ और इनको एक साइड पे रख दो पूरा दिन, और शाम को कभी तुम्हारी इच्छा जाके जोड़ लूँ और ये कर लूँ, क्योंकि ये दो दो तीन तीन बार टेस्टेड हैं, अगर दिक्कत आई उस टाइम भी आ सकती है, अगले दिन भी आ सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर तो, आपने पहले दिन चेक करा और आपको दिक्कत आई थी, हम चाहते भी उस दिन ईवीएम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट है मशीन की वो सारे कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के पास होती है, हम मशीन की जो मॉक पोल पे बदल सकते हैं। अगर आपने पहले दिन चेक कर लिया और आपको मशीन ख़राब मिली, आपको रात में नींद नहीं आनी है,
खराब होगा क्योंकि आप पूरी रात टेंशन में थे, तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए। मॉक पोल इसलिए डेढ़ घंटा पहले कराते हैं कि हम सारी खराब मशीन बदल करें। मशीनें खराब निकलनी नहीं चाहिए। हम चार दिन से यहाँ मशीनें बना रहे हैं और हमने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चेक करके उनको रखा है, फिर भी अगर कोई खराब निकलता है तो सेक्टर ऑफिसर्स के पास मशीन रहेगी। आपके फ़ोन करते ही 15 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई मास्टर ट्रेनर आपके पास पहुँच जाएगा, आपकी मशीन को चेक कर लेगा। कॉल से भी हमसे बात करते रहेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं कभी कभी कोई कनेक्शन एरर होता है जो आप खुद ठीक कर सकते हैं। फिर भी अगर मशीन बदलनी होगी तो आपकी मशीन 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर बदल दी जाएगी। वो रेयर केस होगा जब मशीन बदलने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक दिन पहले ना देखिएगा, अगले दिन ही देखिएगा। एंड मशीन आप तक टाइम से तक पहुँचाना हमारा काम है। हम इंश्योर करेंगे कि आपको उस चीज़ में दिक्कत नहीं आए। मशीन रिप्लेसमेंट का डिसीजन आपका नहीं होगा, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे सेक्टर ऑफिसर को, वो टीम वहाँ पहुँच के ये देखेंगे कि जो आप बोल रहे हो वो वेरीफाई करेंगे, उनको लगेगा कि ये चेंज करना है तभी वो चेंज करेंगे। वो डिसीजन आप लोगों का नहीं होगा। कभी कभी सर सेक्टर ऑफिसर फोन नहीं उठाते। ना ना ऐसा नहीं होगा, आपके पास ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन वाले दिन ये नहीं होगा। बिल्कुल कोई नहीं, लिस्ट होगी और उनको गाइड है, गाइडलाइंस हैं कि 15 मिनट में आधे घंटे में वो राउंड लेके रहेगी, फोन की भी नौबत नहीं है ठीक है कंटिन्यू, वो नौबत वो आएगी नहीं आपको, वो राउंड लेके वो कहीं बैठेंगे नहीं, वो राउंड लेकर। ये बातें होगी। मॉक पोल करवाना उसके लिए क्या तरीका है, वो कई बार हम रिपीट कर चुके, वो बार बार करने का तरीका नहीं है। मॉक पोल करवा दिया आपने, उसके बाद पहला स्टेप जो होगा आपका रिजल्ट टैली करवाना। रिजल्ट टैली होते ही एजेंट्स को आप कहोगे कि अपनी सीटों के ऊपर बैठ गए, अब काम हमारा है। उनको अपने सर्वे में बिठा के रखना कि अपने कभी नहीं करेंगे, एक बार कनेक्शन करें। मॉक पोल के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद क्लियर जरूर करें। क्लियर करते ही उसके बाद आपने क्या करना है, स्विच ऑफ। सीलिंग का काम जो है वो स्विच ऑफ होके होगा आपका। एक सेकंड में मैं सीलिंग दिखा देता हूँ और फिर कनेक्शन करना। इस बार जो सील्स हैं आपकी बिल्कुल कम होती हैं, पहले 4 होती थी, अब कितनी रहेगी, 3। ये मॉडिफाइड है ग्रीन पेपर सील, जो पहले ए बी सी डी होती थी ना, ऐसे घुमाते रहते, ऐसे घुमाऊँ ऐसे घुमाऊँ, वो सब कुछ खत्म कर दिया। बिल्कुल सिंपल तरीका, 2 साइड है इसकी, एक ग्रीन साइड और एक साइड ग्रीन और रेड, इसको लगा देना। कैसे लगेगी रिजल्ट के ऊपर ग्रीन, प्रिंट के ऊपर अभी दिखा देते हैं। इधर भी घूम जाए सर, उधर उधर देखे लड़े तो है ही नहीं, वीडियो में दे ये बस देखो ये हो गई। कितना टाइम लगा इसके अंदर, ये देखो पोजीशन ये रखनी है इसकी, ए ऊपर बी नीचे, बी नीचे ए ऊपर, और भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ग्रीन जो होगा वो रिजल्ट के ऊपर आएगा और रेड जो है वो प्रिंट के ऊपर आएगा। थोड़ा इधर घुमा देंगे ठीक ठीक है। ग्रीन ऊपर, रेड नीचे, ए ऊपर बी नीचे, कोई भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये स्पेशल टैग, स्पेशल टैग इस तरीके से रखेंगे ताकि ये स्विच आपका दिखाई दे। धागा लेके इसको सील कर दिया, उसके बाद इसको बटन को आप क्या करोगे ऐसे बंद कर। अब ये ए रह गया, ए का स्पीकर उतारा यहाँ चिपका दिया, बी का स्पीकर उतारा इसके ऊपर सील करा और एड्रेस टैग लगा दिया। हो गया काम, सील का कितना काम। आप इन तीनों पे जो भी पोलिंग एजेंट आपके नाम पर मौजूद है उनके साइन जरूर लेंगे, अपने भी करेंगे और उनके भी, दोनों के, और ये 3 नंबर उनको नोट करवा देंगे। और एक आपका जो फॉर्म आप देखेंगे, अपनी 17C फॉर्म देखेंगे, वहाँ पे पीछे सील की डिटेल आती है, उसके साइड में हमारे कुछ चीज और लिखा हुआ है, वो पोलिंग एजेंट के साइन के लिए। अभी आपको डिटेल में दिखाएंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। तो पोलिंग एजेंट का साइन लेना बहुत जरूरी काम है,
परसेंट जिम्मेदारी उससे ऊपर चली जाती है कि भाई उसकी प्रेजेंस में मैंने ये काम किया, ये सीख लगाई, इतने एजेंट को फटाफट लेके और उसके बाद इसको सीख करना। आपके एक बार कनेक्शन देख लो कैसे तोड़ना है, ये कंट्रोल यूनिट किसके साथ जुड़ेगी, फटाफट बोल दे जाओ। पायलट यूनिट ये दोनों कनेक्ट हो गई आपकी। अब ये चीज क्या है, अब ये दो बच के आपके पास कौन सी जुड़ेगी फटाफट जुड़ेगी, वेरी गुड। जिसके 16 बटन खुले हुए हैं वो इसके साथ जुड़ेगी, कहाँ जुड़ेगी, यहाँ पे जुड़ेगी। अब ये इसमें दिक्कत आती है, ये कहाँ पे जुड़ेगी, ये होते हैं इसमें कितने 11, ये सेकंड है आपका, ये कहाँ पे जुड़ेगा आपका, एक ये खोल लो ऊपर कर, ये नीचे वाला कंपार्टमेंट भी कभी इसमें ढूंढे जाओ, ये वाले कंपार्टमेंट में सूखे बने हुए आपके, वैसे देख इसका वायर अब इसमें बस ये जुड़ गया। एक और चीज है इसके अंदर, ये क्लिप बनी हुई है ताकि वायर आपका ढक्कन के बीच में ना आए, ये देखो ये खुल गया। एक इसको इसमें रख के और इसको ऐसे कर दो, ये खुल गया। नहीं बताया था किसी ने, मशीन पे क्या या भाई ठीक सर, ये वीवी पैट में 1 और 2 लिखा हुआ है जो आपने वो किया, ये 1 2 वाले स्विच को नहीं छेड़ना, ये हमेशा मन पे रहेगा। जब 2 वीवी पैट होती है तब यूज होता है, ये स्विच को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है ठीक, ये कनेक्शन बन गया वो वीवी पैट की बैटरी का स्टेटस सीमेंट में आता है, इसमें आता रहता, अगर लो होगी तो इसमें आ जाए।